बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का आम आदमी पार्टी विरोध करने वाली है। सीबीआई की पूछताछ का विरोध जताने वाली है आम आदमी पार्टी और कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी चक्का जाम करने वाली है। 14 जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चक्का जाम करेंगे। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का विरोध होगा, सीबीआई की पूछताछ का विरोध किया जाएगा। साथ ही बता दें कि कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चक्का जाम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम केजरीवाल से बातचीत की है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ का विरोध किया है, सीबीआई की पूछताछ का विरोध किया जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ श्रुति फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। श्रुति, कल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का विरोध करने वाली है, इसी को लेकर 14 जगहों पर चक्का जाम किया जाएगा, पूरी जानकारी दें। जी, हमारी बात इससे पहले भी हुई थी, उस दौरान भी मैंने संभावना जताई थी कि कल अरविंद केजरीवाल से जब सीबीआई की पूछताछ होगी उस दौरान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता नेता जो होंगे वो सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में भी हमने देखा था। तो मनीष सिसोदिया तो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, जब उनके लिए इतने कार्यकर्ताओं में इतने रोष इतना ज्यादा रोष था, तो कल तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और वो भी तब जब लगातार ये बातें कही जा रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जो और सीबीआई है वो कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि कल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के विरोध में कल पूरे दिल्ली में 14 जगहों पर जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा जो है चक्का जाम किया जाएगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वो इस प्रदर्शन में अपनी भागीदारी दिखाए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और कल सड़क पर उतरे। तो ऐसे में जब कल सीबीआई पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली का जो माहौल होगा वो काफी ज्यादा संवेदनशील होगा। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को काफी ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि 14 जगहों पर चक्का जाम जैसी बातें पहले ही आ गई है और लगातार जो प्रोटेस्ट है कल वो पूरे दिन देखने को मिलेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि कल जो है ऑफिशियल तौर पर आम आदमी पार्टी के साइड से ये कह दिया गया है कि सभी कार्यकर्ता कल के लिए तैयार है, 14 जगहों पर जो है वो चक्का जाम किया जाएगा। जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति। अपने दर्शकों को हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का विरोध कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले हैं, 14 जगहों पर चक्का जाम करेगी आम आदमी पार्टी। सामने आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम केजरीवाल से बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत की है। सीबीआई के समन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत की, केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत की है और सीबीआई के समन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बातचीत की है, केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम केजरीवाल से मुलाकात किए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, सीबीआई के समन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत की है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंकित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, क्या है पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ जो सीबीआई ने 16 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है, तो उसमें जो शराब नीति वाला मामला है उसको देखते हुए उनको 16 तारीख को बुलाया गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में दिल्ली दौरे पर थे तो अरविंद केजरीवाल से मिले थे, और आज जो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल रही है, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी यानी केंद्र सरकार के द्वारा तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो तमाम जो गतिविधियां हैं विपक्ष की वो एक साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल नजर आ रही हैं। ऐसे में यह स्थिति साफ हो गई, विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से 2024 की लोकसभा की चुनाव की तैयारी हो रही है उसको देखते हुए विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो वही आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी समर्थन कहीं ना कहीं केजरीवाल को दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है और ये मुलाकात सीबीआई द्वारा भेजे गए समन के बाद की गई है।